फ्रेंड्स, यहाँ पर Xiaomi Redmi ने अपनी नई सीरीज लॉन्च करी। इसमें दो मोबाइल लॉन्च किए हैं, Y1 और Y1 LiT, जो कि होने वाले हैं सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन। यहाँ पर आपको दोनों फ़ोनों में मिल जाएगी सेल्फी लाइट, और आपको जो इसमें जो डिस्प्ले मिलता है वो मिलता है 5.5 का HD डिस्प्ले। कंपनी का कहना है कि 10,000 की मोबाइल की रेंज में ये काफ़ी बेटर डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके एक और ख़ास फीचर की बात करें वो है डेडिकेटेड माइक्रो HD स्लॉट। और आपको एक और बात बता दूँ कि MI के जितने भी फ़ोन हैं उसमें सब में आपको हाइब्रिड सिम कार्ड मिलता है, बट आपको उसमें डेडिकेटेड माइक्रो HD कार्ड मिलता है, यानी आप तीनों का यूज़ एक साथ कर सकते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो आपको इंडिया में पहली बार स्नैपड्रैगन 435 का यूज़ हुआ है। और बैटरी की यहाँ पर बात करें तो आपको 3000 की बैटरी मिलती है, बट Redmi 4 में आपको मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी। और अब दोनों की कीमत की बात कर लेते हैं, तो दोनों की जो कीमत है, मतलब 3 GB रैम की कीमत है 9000 32 GB स्टोरेज के साथ, और जो 4 GB रैम की जो कीमत है 11,064 GB रैम के साथ। अगर हम दोनों फ़ोनों की बात करें, मतलब दोनों वेरिएशन में बात करें, तो आपके ये सिर्फ सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन है, बाकी कोई भी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा नहीं दी गई। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो Redmi Y1 LiT में आपको जो मेजर डिफरेंस मिलता है वो यही है कि इसका जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 425, और जो थोड़ा सा और डिफरेंस मिलता है उसकी जो प्राइस रेंज में और रैम और स्टोरेज पे, जहाँ पर आपको 2 GB रैम के साथ आपको 16 GB की स्टोरेज मिलेगी, और वहीं इसकी जो कीमत होगी वो होगी तकरीबन 7000 रुपये की। और ये आपको एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हो जाएगा अमेज़ॉन पे मिड नवंबर में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। So thank you for watching my video. I am Saurabh from Tech Me Technically.